हनीफ भाई आज इतना सन्नाटा क्यों है? बस तीन ही खा का है सुबह से अब तक। हाँ यार, पता नहीं कब ठीक होंगे ये हालात। हनीफ भाई खाना नहीं खाना है क्या? खाते हैं भाई, खाना खाने तो आते हैं बस। क्यों ना शुरू करते हो भाई, शुक्र अदा करो। चलो भाई, बहुत जोर से भूख लग रही है। हनीफ भाई अब तो मास्क उतार लें, कोरोना चला गया मार्केट से बाहर। हाँ बेटा, खाना खाने के लिए बाहर नहीं पड़ेगा ना। नहीं भाई, तू अभी भी नहीं समझे क्या? क्या नहीं समझे? यही कि ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं था, बेवकूफ बनाया गया सारी दुनिया को। सारी दुनिया झूठ बोल रही है, सारे मुल्क झूठ बोल रहे हैं, बस एक आप सच बोल रहे हैं। खैर सच तो होगा, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये सब इन्होंने लेबोरेटरी में तैयार किया और बेच दिया हमें बर्बाद करने के लिए। तो क्या सिर्फ हम ही बर्बाद हुए? यहाँ सब बर्बाद हुए, क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम। अब तो कोरोना चला गया ना, अब मास्क क्यों पहनते हो तुम? जी जी दिलशाद भाई, आपको बता कर गया है कोरोना कि मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बस भी कर दो यार। अच्छा भाई, ये लो उतार दिया, रख लिया जेब में। अरे हनीफ भाई पहले खाना खा लें, फोन बाद में उठा लिएगा। बेटा जी, अगर ये फोन नहीं उठाया ना तो रात को भी खाना नहीं मिलेगा और कल भी खाना नहीं मिलेगा। उठाओ। हाँ हेलो भाई। अरे दुकान बंद होगी तो आऊंगा ना। ओहो भाई, मेहमानों की लिस्ट बनानी है ना, बताया तो था तुम्हें। तो क्या भाई मुझसे पेन चाहिए तुम्हें? अजीब बातें कर रही हो। अरे जिसका निकाह है उससे बनवा लो लिस्ट, अलीना से कहो वो बना देगी। नहीं उससे नहीं कह रही मैं, बस तुम्हें शाम को जल्दी आना है, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा भाई आ जाओ, आ जाऊंगा। अरे भाई बिटिया का निकाह कब है? 5 दिन बाद इंशाल्लाह। 5 दिन रह गए हैं शादी में और दुल्हन पता नहीं कहाँ उड़ी उड़ी फिर रही है। सामी को मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी? दर्जी के पास, आपको बता के गई थी आपके कपड़े उठाने थे उससे। कोई मेरा निकाह थोड़ी है जो मेरा नया जोड़ा पहनना जरूरी हो। दुल्हन की अम्मी हैं आप। अच्छा मेरे दो काम कर दे, या दोनों में से बस कोई एक काम कर दे। अम्मी मैं दोनों काम कर दूंगी, बताएं मुझे। या तो नौशीन का नंबर मिला दे फोन पे, या फिर मेरी नजर का चश्मा ढूंढ दे। नंबर तो मैं मिला देती हूँ, लेकिन आपका चश्मा ना मसालों के डब्बों के बीच से ही मिलेगा। ये क्या बटन लगाएगा फोन? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम नौशीबा जी। हाँ लीना बेटे कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये अम्मी से बात करें। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम तो आज आने वाली थी। हाँ खाला आऊंगी, लेकिन शाम तक आऊंगी, बच्चे इस वक्त होमवर्क कर रहे हैं। आप बताइए आपके बाकी सारे काम हो गए? कहाँ सब काम हो गए, अभी तो मेहमानों की लिस्ट बनानी है, फिर बुलावे के लिए उन सबको फोन करना है। कितने लोग बुला रही हैं आप? नहीं ज्यादा नहीं, बस अपने खानदान वाले और उधर दूल्हा वाले, तो मिल मिला के कोई हाँ तकरीबन 200 हो जाएंगे। क्या खाला? सुनिए आप इस वक्त कुछ मत कीजिएगा, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, उसके बाद देखी जाएगी। अरे वाह, बस फिर तो जल्दी से आ जा, तुझसे ही फोन करवाऊंगी। बच्चों हमें अभी खाला की तरफ जाना होगा। मगर अम्मी खाला के घर तो बहुत मिला जुला माहौल है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लोग मास्क तो पहन रहे, लेकिन उनके ख्याल में या तो कोरोना था ही नहीं या खत्म हो चुका है। पिछले सीजन में तो फिर भी थोड़ा बहुत खाला डर गई थी, लेकिन घर जाती कोरोना को ठेंगा दिखा दिया। हाँ पर हनीफ खालू फिर भी थोड़ी एहतियात कर लेते हैं। अम्मी वो भी खाला की चलाके, खालू को मास्क पहनाकर खुद खुले मुंह घूम रही होती है। खैर जो भी हो जाना जरूरी है। क्या जरूरी है अम्मी, हमें होमवर्क भी कम्प्लीट करना है। बेटा तुम्हारी अलीना आनी का निकाह है और इस वक्त उस घर में बहुत कुछ गलत होने जा रहा है। क्या गलत हो जाएगा, निकाह की जगह क्या सालगिरह का केक काट देंगे? ओफो अभी स्टूपिड बातों का वक्त नहीं है, उठो दोनों कपड़े चेंज करो जाके। अम्मी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस जंगली पे, जैसा है वैसे ही ले जाए, जल्दी करो। ओके अम्मी। नहीं खाला फिर हम आ गए। अस्सलामुअलैकुम दुल्हनानी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नौशीन बाजी आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो लीना? मैं बिल्कुल सेट हूँ। अभी तो सेट है लेकिन बाद में अपसेट होने वाली है। चुप करो तुम, मुझे ही बताएं कि भाई इस्लामाबाद से वापस कब आ रहे हैं? ऑफिस का काम है, लगता है इस बार लंबा चल रहा है। तो
क्या मतलब है, मेरे निकाह में शरीक भी होंगे? लग तो ऐसे ही रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, उनके से कछुआरे मैं खा लूंगा। मुझे पता है खाला कहाँ है। अम्मी अंदर है, चलें। आनी शायद खालू घर पे नहीं है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो असल में खाला खालू की बहस की आवाजें नहीं आ रही। चलो सैनिटाइज करो और हाथ धोकर अंदर आना। यस मिस। ओ हाँ, मुझे पता है कि तुम मिस हो। मैं कौन सा तुम्हें मिसेस कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि तुम अपनी अम्मा से कहना अपने सारे बच्चे पकड़ें और 5 दिन बाद मेरे घर आ जाए। अलीना का निकाह है। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, बस तुम सबका बुलावा है। खाला